दौसा जिले में कल से ही बारिश का दौर लगातार जारी है और बारिश से कई जगह पर नुकसान भी देखने को मिला है। अभी हम सिकराय विधानसभा क्षेत्र के निकटपुरी गांव की बहरुआ ढाणी में खड़े हुए हैं। यहां एक कच्ची पाटोल पोस है, आपको हम दिखाना चाहेंगे। ये पाटोल पोस बरसात की वजह से गिर गई है। हाल ही में यहाँ विकास अधिकारी सिकराय के बाबूलाल मीणा भी आए थे और बाबूलाल मीणा यहाँ मौका मुआयना करके निर्देश देकर वापस लौट गए हैं। यहाँ कुछ ग्रामीण भी हैं जो दीवार को तोड़ने में लगे हुए हैं और पानी निकासी का कार्य इनके द्वारा किया जा रहा है। यहाँ पर पानी कल से ही भरा हुआ है और पानी को लेकर कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं। वहीं सिकराय क्षेत्र की बात करें तो हिंगी गांव में भी पानी जमा हो गया था। पानी जमा होने के बाद सिकराय SDM राकेश मीणा और तहसीलदार दिनेश मीणा भी वहाँ मौके पर पहुंचे थे। वहाँ JCP चलवा कर बनाई गई सड़क को तोड़वाया और पानी निकासी का कार्य किया है। वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर मजदूरों ने पिछले लंबे समय से अनशन धरना लगा रखा है उपखंड कार्यालय के आगे। ये पूरा मामला है श्री सीमेंट में कार्यरत श्रमिकों का। श्रमिकों का कहना है कि उन्हें उचित मजदूरी नहीं दी जा रही है, जिसको लेकर वो मार्च से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, परंतु प्रशासन द्वारा कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। वहीं उपखंड कार्यालय के बाहर 25 जुलाई से अनशन जारी है। मजदूरों का कहना है कि यदि उनकी बात नहीं सुनी गई तो 25 अगस्त को श्री सीमेंट के बाहर धरना प्रदर्शन किया जाएगा और अपनी मजदूरी की मांग बुलंद की जाएगी। चौक मीडिया सूरतगढ़। लोड शेडिंग के नाम से प्रदेश में हो रही अघोषित विद्युत कटौती से पूरा प्रदेश परेशान। प्रदेश की राजधानी जयपुर ग्रामीण सहित पूरे राजस्थान में अघोषित विद्युत कटौती की जा रही है लोड शेडिंग के नाम पर, जिससे गर्मी के चलते आम जनता का हाल बेहाल है। अघोषित विद्युत कटौती के चलते कूलर पंखे बंद पड़े हैं और आम जनता गर्मी से काफी परेशान है। अघोषित विद्युत कटौती के चलते एक दिन में करीब 8 से 10 बार विद्युत कटौती की जा रही है। कई कई बार तो 2 से 3 घंटे लगातार बिजली गुल रहती है, जिसके चलते आम जनता को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं स्थानीय निगम प्रशासन से बात की जाती है तो कहते हैं बरसात का समय चल रहा है, जिसमें बिजली उत्पादन इकाइयों में काफी परेशानी आ रही है, तो इसलिए लोड शेडिंग की जा रही है। राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए प्रदेश भर से कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवारों के आवेदन पत्रों की मांग की है, जिसके चलते गंगानगर जिले की और अनूपगढ़ जिले की 7 विधानसभा सीटों से कांग्रेस के उम्मीदवारों की दावेदारी पेश करने वालों ने अपने अपने जो आवेदन पत्र हैं वो ब्लॉक अध्यक्षों को सौंप दिए हैं और आज ब्लॉक अध्यक्ष सभी के आवेदन पत्रों को बंद लफाफे में ले जाकर गंगानगर के जिला अध्यक्ष अंकुर मगलानी को सौंप देंगे। अंकुर मगलानी सभी बंद लफाफे में मिले हुए आवेदन पत्रों को लेकर 25 तारीख को जयपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। हम आपको बता दें कि इन आवेदनों के अंदर लगभग नए उम्मीदवारों के साथ साथ मौजूदा विधायक और पूर्व कांग्रेस के विधायकों ने भी अपने आवेदन पत्र ब्लॉक अध्यक्षों को दिए हैं। लालसोट क्षेत्र में होकर गुजर रहे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे अमराबाद रेस्ट एरिया में आज यहाँ के स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन करते हुए अपनी विभिन्न मांगों को लेकर यहाँ के जो कंपनी के मैनेजर हैं उनको अवगत कराया है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि जो रेस्ट एरिया है उनमें स्थानीय लोगों को रोजगार देने में प्राथमिकता दी जावे, वहीं इनके जो भूमि अधिग्रहण की गई उसमें कई किसानों के मुआवजे अभी वंचित हैं। ऐसे में उनको पेड़ पौधा कोठी कुएं के मुआवजे अभी नहीं मिले हैं। ऐसे में उन मुआवजों की मांगों को लेकर स्थानीय लोगों को रोजगार में प्राथमिकता देना और एक सरकारी स्कूल में रास्ता अवरुद्ध होने की वजह से उन सभी मांगों को लेकर आज रेस्ट एरिया में यहाँ के लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं इन्हीं मांगों को लेकर यहाँ उपखंड अधिकारी को भी ज्ञापन सौंप कर समस्याओं से अवगत कराया जाएगा। बूंदी में लगा अजीबोगरीब धरना। वार्ड नंबर 19 से कई वासिंदे कुत्तों से परेशान होकर लगा रहे हैं धरना आज बूंदी में। और बूंदी में वार्ड नंबर 19 में एक महिला है जो 25 से 30 कुत्तों को पाल रखा है, जो वहां के आने जाने वाले राहगीरों को, मोहल्ले वासियों को, वार्ड वासियों को परेशान कर रही है। और कुत्ते जो है रात दिन वहां पे भौंक के बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब कर रहे हैं। उन्होंने वार्ड वासियों ने कई तरीके की शिकायतें प्रशासन को अलग अलग विभागों में, नगर परिषद, कलेक्टर, थाने, यहाँ तक कि कई विभाग और में भी कर चुके, लेकिन आज तक उसका कोई नतीजा नहीं निकला। उससे परेशान होकर आज वार्ड वासियों ने यहाँ पे धरना लगाया। धरना प्रदर्शन में साफ साफ लिखा है
प्रशासन कुत्तों से बचाओ। आखिर किस तरीके से प्रशासन सतर्क हो गया कुत्तों से बचाएगा? टोंक में कल रात सामूहिक हनुमान चालीसा के पाठ हुए। इस हनुमान चालीसा का आयोजन भाजपा प्रदेश महिला मोर्चा की सदस्य दीना छामुना द्वारा किया गया। इस हनुमान चालीसा आयोजन में कई संत सम्मिलित हुए। उन संतों के द्वारा हनुमान चालीसा के पाठ किए गए। एक संत प्रकाश दास जी महाराज जो दादूदयाल आश्रम निवाई के हैं, उन्होंने भी भक्ति गीत से समारोह और हनुमान चालीसा के आयोजन को रसमय कर दिया। हजारों लोग इसमें शामिल रहे। उन्होंने एक बयान दिया कि अभी प्रधानमंत्री चाय वाला, आने वाले टाइम में प्रधानमंत्री गाय वाला बनेगा, क्योंकि हमारे देश को हिंदुत्व बनाने में, हिंदू राष्ट्र बनाने में इन जैसे नेताओं की आवश्यकता है। डीडवाना जिले में आबकारी विभाग द्वारा अवैध शराब के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसके तहत आज डीडवाना के जिला कलेक्टर चौराहे के पास आबकारी विभाग द्वारा कार्रवाई करते हुए एक पिकअप को जब्त किया गया है। इस पिकअप में 100 लीटर स्प्रिट जब्त की गई है, साथ ही 24,000 खाली पौवे भी जब्त किए गए हैं। ये पिकअप गाड़ी हरियाणा से सामान भर करके जा रही थी, इसी दौरान ये कार्रवाई की गई है। आबकारी विभाग का कहना है कि अवैध शराब के खिलाफ उसका अभियान लगातार जारी रहेगा। जोधपुर को एक आने वाले दिनों में सौगात मिलने वाली, वो सौगात है जोधपुर का जो नवनिर्मित रोड बस स्टैंड है, जो पावटा में रायकाबाग पर स्थित है। जो पीछे देख रहे हैं ये वही जो बना हुआ है, इसका मुख्य उद्देश्य है आने वाले कुछ दिनों में, हमारे जो सूत्र है वो कह रहे हैं कि आने वाले जो रविवार है 27 तारीख को, तो उसी दिन वो जोधपुर में आएंगे मुख्यमंत्री जी, और कई कार्यक्रमों में वो भाग लेंगे। और इसी के तहत यहाँ पर जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे ही राजनीतिक पार्टियां सक्रिय हो रही हैं। वहीं कांग्रेस ने अपने संभावित प्रत्याशियों से आवेदन लेने शुरू कर दिए हैं। बात करें जिला मुख्यालय से तो हनुमानगढ़ विधानसभा से आज 9 प्रत्याशियों ने आवेदन किए, जिसमें हनुमानगढ़ से विधायक चौधरी विनोद कुमार, उनके लड़के चौधरी भूपेंद्र कुमार व जिलाध्यक्ष सुरेंद्र दादरी व पवन गोदारा राज्य मंत्री ने भी आवेदन किया।